हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.6 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। सो यहाँ पर आपके पास x में ये वैल्यू है एंड y में ये वैल्यू है। क्लियरली आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो पैरामीट्रिक टर्म है वो है t। सो उसी के रिस्पेक्ट में आपको x एंड y को डिफ्रेंशिएट करना है, राइट? सो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं एंड ये बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास वैल्यू आएगी dy/dt, राइट? और यहाँ पे a टर्म कांस्टेंट है, d/dt किसका चाहिए आपको? साइन t का, जो कि मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको लिख के दिखाऊंगी। एंड जिसकी वैल्यू आती है, साइन का डिफ्रेंशिएशन होगा cos t, राइट? सो आपके पास dy/dt की वैल्यू आ चुकी है। ये होती है आपकी सेकंड इक्वेशन, जो कि आप न्यूमरेटर में रखते हो, राइट? एंड यहाँ से आपको मिलेगी dx/dt की वैल्यू, उसको आप नेम दोगे इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट? सो यहाँ पर a टर्म कांस्टेंट है, डोंट वरी। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आपको मिलेगी dx/dt, राइट? सो यहाँ पर a को एज इट इज रहने दो। डिफ्रेंसिएशन किसका करोगे? इसका एंड इस टर्म का। सो जब d/dt करोगे cos t का, नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगी कि cos t का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, राइट? और आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बट अगर आप जितना स्टेप वाइज चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ताकि आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, राइट? सो यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करना होगा मुझे लॉग का, और लॉग के अंदर पूरी एंगल की वैल्यू क्या है? टैन टी बाय टू, ठीक है? सो जिन स्टूडेंट्स को पता है कि लॉग का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सो जो वैल्यू होती है एंगल की वो आ जाती है ऐसे, लाइक 1/tan t/2, राइट? सो यहाँ पर पूरे एंगल की वैल्यू एकदम डिनोमिनेटर में आ चुकी है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इसका डिफ्रेंसिएशन करके दिखा दी है, नो प्रॉब्लम। आप नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट, आपको इसके बाद एंगल का भी डिफ्रेंसिएशन करना होगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है, एकदम सिंपल नहीं है। ओनली टी होता तो यहीं पर आपका स्टॉप हो जाता चेन रूल, लेकिन जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर टैन टी बाय टू है आपका एंगल, तो आपको उसका भी तो डिफ्रेंसिएशन करना है विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। सो टैन टी बाय टू का डिफ्रेंसिएशन तो करोगे ही, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? सो जैसे डिफ्रेंसिएशन आप करते हो टैन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो टैन एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलती है आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग? आपको वैल्यू मिलती है सीकेंट स्क्वेयर एक्स। तो यहाँ पे जो एंगल था वही यहाँ पर आ चुका है, लेकिन अब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टी, और आपके पास टैन के अंदर एंगल कौन सा है? टी बाय टू। तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन ध्यान से देखना, जो कि मैं यहीं पे परफॉर्म कर रही हूँ और वहाँ पर डायरेक्टली लिख दूंगी। सो जब मैं डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ टैन का, तो डेफिनेटली सीकेंट स्क्वेयर आएगी वैल्यू, एंड एंगल अकॉर्डिंगली आपके पास आ जाएगा, दैट इज टी बाय टू। लेकिन यहाँ पर इसका भी तो एंगल सिंपल टी नहीं है, यहाँ पे वैल्यू है टी बाय टू। सो ये कंटिन्यू रहेगा आपका चेन रूल, आपको इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है। सो डिफ्रेंशिएशन हम नेक्स्ट स्टेप पे दिखाते हैं, टी बाय टू का हमें करना होगा, मतलब इसके एंगल का भी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सो इसमें से टी बाय टू में से क्लियरली इसको हम लिख सकते हैं 1/2 × t, यही बात है, राइट? टी बाय टू को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली जिसमें से कि 1/2 एक कांस्टेंट टर्म है, अल्टीमेटली डिफ्रेंसिएशन किसका करना है आपको? टी का करना है ओनली। सो डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी, आपको वैल्यू क्या मिलेगी? ओनली 1। यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन आपको मिलेगा 1, और साथ में वैल्यू है 1/2। सो अल्टीमेटली इस पोर्शन का डिफ्रेंसिएशन करोगे, आपके पास वैल्यू क्या आएगी? ये एज इट इज ओनली 1/2, क्योंकि t का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? सिंपल ओनली 1। सो देखा आपने डिफ्रेंसिएशन tan t by 2 का क्या होना था। तो यहाँ पे मैं अभी सिर्फ इतना लिख रही हूँ कि आपको यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करना है tan t by 2 का, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में यही वैल्यू लिख कर दिखाऊंगी। और ये कैसे हुआ, ये मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया है, सिंपल डिफ्रेंसिएशन है, नथिंग एल्स। सो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन cos t का मतलब cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन t। सो सिंपल t था, तो आपका चेन रूल यहाँ पर यहीं पे स्टॉप हो चुका है, ठीक है? सो यहाँ पे 1/tan t/2, सो इसका डिफ्रेंसिएशन आप कर ही चुके हैं, तो वैल्यू मैं सिंपल पुट कर रही हूँ 1/2 secant स्क्वेयर t/2। अब इतना देख लो कि ये एंगल है इनका t/2, ठीक है? सो यहाँ से वैल्यू आपको मिली है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज ये साइन टी को एज इट इज रखो,
यहाँ पर ये टर्म देख रहे हो आप, पूरी लाइन, ये वैल्यूज जो इस लाइन के ऊपर हैं वो न्यूमरेटर में है, और जो भी वैल्यूज इसके नीचे हैं लाइन के वो सब डिनोमिनेटर में है। सो जैसे ही यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको मैं क्या लिख रही हूँ, साइन कॉस के फॉर्म में। सो साइन टी बाय टू तो इसका एंगल है, ठीक है, कॉस टी बाय टू। सो देखा मैंने टेन टी बाय टू को कैसे ओपन करके लिखा है, ठीक है। सो न्यूमरेटर में चल रही है जो वैल्यूज उनको वही रहने दो, ये सब प्रोडक्ट में ही है। अब सीकेंट स्क्वेयर टी बाय टू आपको एक न्यूमरेटर में टर्म दिख रही है, अगर मुझे इसको डिनोमिनेटर में लेकर आना है तो ये सीकेंट स्क्वेयर का क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वेयर, क्योंकि हम सीकेंट को, एंगल चाहे कोई भी हो, सीकेंट को हम किस तरह से लिख सकते हैं, कॉस की फॉर्म में। सो सिंपल ये जो सीकेंट स्क्वेयर है इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में लिखना चाहती हूँ तो वैल्यू आपको किस तरह से दिखेगी, कॉस स्क्वेयर टी बाय टू। कॉस टी बाय टू कितनी बार है, दो बार है, ठीक है। सो एक कॉस टू बाय टू यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो ये टर्म ऐसे है और इसके डिवाइड के फॉर्म में कहाँ है, कॉस टी बाय टू। सो ये पूरी टर्म इसके साथ एक कैंसल हो जाएगी, ठीक है। सो यही है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। अब आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या मिल रही है, ध्यान से देखना, टू एक तो मिलेगा, जो न्यूमरेटर में वैल्यू क्या है, ओनली वन है तो वन रहने दो। नीचे क्या क्या है वो देखना इंपॉर्टेंट है, एक है मेरे पास टू, एक है साइन जिसका एंगल है टी बाय टू, एक वैल्यू है कॉस, क्योंकि एक इसके साथ कट गई, ठीक है। सो कॉस टी बाय टू। सो अब इतना भी पता है आपको कि साइन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है, टू साइन ए कॉस ए, इन वैल्यूज को इस तरह से आप लिख सकते हो, राइट। सो टू साइन ए कॉस ए कोई भी एंगल हो सकता है ए की जगह आपके पास, इतना ध्यान रखना, ए की जगह कुछ भी वैल्यू हो सकती है एक्स वाई जेड, ठीक है। सो अभी यहाँ पर इतना देखो, टू साइन एंगल कॉस एंगल, तो मतलब यहाँ पे कोई भी एंगल है, यहाँ पे एंगल एक्चुअल में क्या है, टी बाय टू, तो यहाँ पर ए की जगह टी बाय टू फिट हो जाएगा और टू साथ में आएगा, अगर आप इन वैल्यूज को इस तरह से लिखना चाहते हो। कहने का मतलब है, नेक्स्ट स्टेप में मैं करके दिखा रही हूं, इसको मैंने लिखा साइन फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली टू, और एंगल जो यहाँ पे चिपका हुआ था ए ए वो यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर एंगल कौन सा चिपका हुआ है, टी बाय टू, तो इसके साथ टी बाय टू आ जाएगा। अब देखो आपके पास ये प्रोडक्ट में है पूरी वैल्यू, टू इंटू टी बाय टू, सो टू एक डिवाइड में है और एक टू ऊपर है, सो टू न्यूमिनेटर में है, टू डिनोमिनेटर में है, तो ये टू से टू कैंसल हो चुका है। आप इसको यहाँ पे क्लियरली इस तरह से देख सकते हो, अब क्लियरली टू से टू कैंसल होता आपको दिख रहा है, वैल्यू क्या दिखेगी आपको, सिर्फ साइन टी की, और यहाँ पे आपके पास एक माइनस साइन टी है और यहाँ पे वन अपॉन साइन टी है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पेज में आपको करके दिखा रही हूँ सिंपल, यहाँ पर अब आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, बेस में आएगी साइन टी, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वेयर टी, क्यों, क्योंकि साइन जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन टी की टू वैल्यूज आएंगे आपके पास, तो आप उनको किस तरह से लिख सकते हो, साइन स्क्वेयर टी प्लस वन एज इट इज, ठीक है। अब आपको पता है साइन स्क्वेयर एंगल कोई भी हो प्लस कॉस स्क्वेयर एंगल कोई भी हो इक्वल्स टू वन, कॉस स्क्वेयर थीटा को यहीं पर रहने दो इसी साइड, साइन को उधर शिफ्ट कर दो, वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, तो यहाँ पर देखो वन माइनस साइन स्क्वेयर टी। सो अल्टीमेटली आपके पास ये वैल्यू क्या है, ऊपर इसी तरह से ही तो है। सो जिसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, सिंपली अगर थीटा की जगह टी हो तो इस वैल्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वेयर टी, तो मैंने इसकी जगह पर सिंपली क्या लिखा है, कॉस स्क्वेयर टी, साइन टी आपका ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था ही। सो यहाँ से dx अपॉन dt की वैल्यू इतनी स्टेप्स करने के बाद मेरे पास आई है ये। सो आपके dy अपॉन dt की वैल्यू थी a cos t, जो हमने फाइंड की आफ्टर डिफ्रेंसिएशन, राइट। सो आप इतना देख रहे हो कि a cos t में सिर्फ ये वैल्यू न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या है, वन ही है, राइट। सो आपके पास इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। अब यहाँ पे वैल्यूज को लिखो, a cos t डिवाइड बाय वन, एंड dx अपॉन dt की तो वैल्यूज है ही, न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी है। सो यहाँ पे हम इसको इस तरह से क्यों लिख रहे हैं, ताकि आपके लिए ही सिंप्लिसिटी बनी रहे, नथिंग एल्स,
क्योंकि यहाँ पे जब हम इसको रेसिप्रोकेट करके कैंसिल आउट करेंगे आपको क्लियरली दिख जाएगा। सो इतना तो पता है dt से dt कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड में आपको वैल्यू मिलेगी dy अपॉन dx की, राइट right? इसी को ही लिखते हो आप dy अपॉन dx। एंड यहाँ पर ये टर्म एज इट इज a cos t अपॉन 1 रेसिप्रोकेट होके ये टर्म्स ऊपर जाएंगी, तो sin t ऊपर रहेगा, नीचे आएगी वैल्यू a cos स्क्वेयर t की। ठीक है, तो हमने जस्ट इसको रेसिप्रोकेट किया, नथिंग एल्स। सो a से a कैंसिल, a cos t से a cos t कैंसिल, सो यहाँ पे sin t अपॉन cos t, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ tan t। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। सो यहाँ पे भी आपको dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट right? सो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा एज योर पैरामीटर हेयर इज थीटा, राइट। सो सबसे पहले मैं x को डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में dx अपॉन d थीटा वैल्यू आएगी, ये आपका कांस्टेंट है। सो डिफ्रेंशिएशन जब मैं इसका करूँगी सीकेंड का, तो सीकेंड का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सीकेंड थीटा टैन थीटा, ठीक है। सो ये वैल्यू आई है आपकी इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद। नाउ लेट सॉल्व y। सो y की टर्म है आपके पास इस तरह से, सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, b कांस्टेंट है, सो tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है secant square थीटा, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूलेज अप्लाई हुए, नथिंग एल्स। सो ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन, ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, डिवाइडिंग सेकेंड इक्वेशन बाय 1। यहाँ पर आपके पास secant थीटा की 2 वैल्यूज हैं, यहाँ पर आपके पास 1 secant थीटा है, सो यहाँ से आप इसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो, और यहाँ से डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, यहाँ से आपके पास वैल्यूज क्या आएंगी, डी वाई अपॉन डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में, बी अपॉन ए, सीकेंड थीटा की अब एक ही वैल्यू है ऊपर और नीचे, टैन थीटा की एक ही वैल्यू, ठीक है। सो अब साइन को मैं कॉस में लिखना चाहती हूँ, एंड टैन को भी मैं साइन कॉस की फॉर्म में लेकर आना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मैं वैल्यूज को किस तरह से लिख रही हूँ, ध्यान से देखना। सो ये जो पूरी टर्म है एक न्यूमरेटर में है और इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो लेकिन अगर मैं सीकेंड को कॉस के फॉर्म में जैसे ही लिखूंगी तो ये पहुंच जाएगा डिनोमिनेटर में। सो यहाँ पर टेन को भी मैं साइन कॉस में लिखना चाहती हूँ, तो साइन थीटा एकदम न्यूमिनेटर में है और कॉस थीटा डिनोमिनेटर में वैल्यू आपको दिखेगी, राइट। रेसिप्रोकेट करेंगे हम टर्म्स, इसको अल्टीमेटली आप लिख सकते हो बी अपॉन कॉस थीटा, और इसको आप लिख सकते हो ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो अभी मैं वैल्यूज को रेसिप्रोकेट कर देती हूँ, मेरे पास वैल्यूज इस तरह से आएंगी, कॉस थीटा की वैल्यू ऊपर, ए साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर। सो यहाँ पे इतना क्लियर है, कॉस से कॉस कैंसिल, बी अपॉन ए, तो डिनोमिनेटर में ही आपके पास क्या वैल्यू बची है, साइन थीटा की। तो इसको अगर मैं न्यूमिनेटर की फॉर्म में लिखना चाहती हूँ, ये वैल्यूज न्यूमिनेटर में कैसे दिखेगी, कोसेकेंट थीटा की फॉर्म में, दैट मीन्स कोसेकेंट थीटा, साइन को कोसेकेंट थीटा की फॉर्म में लिखती है, नथिंग एल्स। सो ये है आपका फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आपके पास वैल्यूज आएंगी यहाँ पर d अपॉन डी थीटा, लेफ्ट हैंड साइड में आपको वैल्यू मिलेगी डी एक्स अपॉन डी थीटा, राइट, ये आपके पास कांस्टेंट है, और कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, दैट इज माइनस साइन थीटा। एंड यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन करने से पहले इतना नोट जरूर कर लेना कि यहाँ पर ये एक फर्स्ट फंक्शन है, ये एक सेकेंड फंक्शन है, तो इसका डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, यहाँ पर लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल। सो प्रोडक्ट रूल मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन सेकेंड फंक्शन का होगा। सिमिलरली जिस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन आप कर चुके हो वो फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, फर्स्ट फंक्शन का, दैट इज थीटा का। तो ये अब वैल्यू जो ये थी उसको मैंने प्रोडक्ट रूल के साथ ओपन करके इस तरह से लिख दिया है। तो अब आपके पास वैल्यू क्या आई है, थीटा, यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, साइन थीटा एज इट इज, एंड थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है ओनली 1। सो यहाँ पे आपको सॉल्व करने के बाद एक नेगेटिव वैल्यू मिल रही है साइन की, एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, तो कैंसिल हो गई, राइट। सो आपके पास वैल्यू क्या आई, ए थीटा कॉस थीटा। सो डी एक्स अपॉन डी थीटा जो कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उसकी वैल्यू है ये। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी, ए आपका कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन साइन का करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी कॉस थीटा,
माइनस यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन, अल्टीमेटली फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो, डिफ्रेंसिएशन सेकेंड फंक्शन का, नाउ सेकेंड फंक्शन एज इट इज रखो, डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट फंक्शन का, दैट इज थीटा का. सो कॉस थीटा एज इट इज, अभी मैं इनर ब्रैकेट को सॉल्व कर रही हूँ, थीटा जो फंक्शन है आपका एज इट इज, कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज, थीटा का डिफरेंस होता है ओनली वन. अब यहाँ पे नेगेटिव टर्म को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, माइनस माइनस यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस कर देगा यहाँ पे इसको. अब यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल हो रहा है, आपके पास वैल्यू आई है लाइक दिस. तो ये आया है आपकी सेकेंड इक्वेशन, दैट इज डी वाई अपॉन डी थीटा. सो सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करो फर्स्ट इक्वेशन से तो आपके पास वैल्यू आएगी कुछ इस तरह से, डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा. तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी आपको डी वाई अपॉन डी एक्स जो आप फाइंड करना चाहते हो. सो मेरे पास न्यूमिनेटर में वैल्यू है ये, डिनोमिनेटर में वैल्यू है ए थीटा कॉस थीटा. क्लियरली ये वैल्यू कैंसल, साइन अपॉन कॉस को मैं टेन थीटा लिख सकती हूँ डायरेक्ट. तो ये आपका फाइनल आंसर है. नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड मस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल.